हरे कृष्णा, मैं कृष्ण वंदना जगन्नाथ किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बना रहे हैं गंगापुर के फेमस खीर मोहन जगन्नाथ जी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। लगभग एक बड़ा जग पानी लेना है और उसमें 10 से 12 रीठा बॉयल करने के लिए तोड़ के डाल देने हैं। एक बड़ी कढ़ाई लेनी है और यहाँ पर अब हम तैयार करेंगे चाशनी। तो यहाँ मैंने कम से कम 4 से 5 जग पानी लिया है और इसमें अब हम ऐड कर रहे हैं चीनी। चीनी की मात्रा यहाँ पर 2.5 kg है। 2.5 kg मैंने चीनी ली है। अब इसका हम तैयार करेंगे चाशनी। खीर मोहन बनाएं या छेना, उसके लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले जो चाशनी है वो परफेक्ट बनी चाहिए। दूसरा, उसके लिए हमें पानी बहुत पिलाना पड़ता है। यदि हम पानी नहीं पिलाएंगे तो हमारे जो छेने हैं या खीर मोहन हैं वो चपटे रह जाते हैं और कभी कभी फट भी जाते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा साट्रिक लिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी हमें गरम ऐड करना है, तो यहाँ हमने ऐड किया है 5 जग गरम पानी और ये रीठा वाला ही पानी है हमारा। और दूध गरम करने के लिए रख दिया है। यहाँ पर जो दूध है वो है 7 kg। दूध हल्का सा हमें उंगली की सहायता से देखना है कि वो ज़्यादा गर्म भी ना हो जाए और ज़्यादा ठंडा भी ना हो। तो थोड़ा सा उसमें से हम पहले लेके और उसमें साट्रिक मिलाएंगे कुछ इस तरीके से और उसको चेक करेंगे कि वो फट रहे हैं नहीं। यदि वो प्रॉपर तरीके से नहीं फटे तो उसको और गर्म करना है। यहाँ पर हमारा जो दूध है वो फट गया था, तो अब जो हमने दूध जग में लिया था वही जग हमने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है और उसमें थोड़ा थोड़ा जो पानी है साट्रिक का और रीठे का वो हमें मिक्स करना है। तो साट्रिक वाला पानी यहाँ पर मिक्स किया है अभी हमने और जो रीठा है वो हमें झाग का काम देगा, उसको हम बाद में ऐड करेंगे। अब धीरे धीरे करके देखिए इस तरीके से हमें अपना जो साट्रिक वाला पानी है वो डालना है और दूध को फाड़ना है। एक साथ ऐड नहीं करना है, नहीं तो जो हमारा छेना है वो हार्ड बनेगा। और ये जो छेना है इसको बनाने के लिए हमने नॉर्मल जो अमूल का दूध होता है वो लिया है, लेकिन यदि आपको गाय का मिल जाता है दूध तो उसका जो छेना है वो बहुत ही अच्छा बनता है। और यदि आपको नहीं मिले तो आप हमारी तरह भी बना सकते हैं फुल फैट दूध से और वो भी सॉफ्ट बनेगा, लेकिन उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि अपने छेना है या खीर मोहन है उनको खूब सारा पानी पिलाना होगा। तो यहाँ पर जो हमारा छेना है वो पूरी तरीके से फट गया है। तो चलिए अब इसको निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए यहाँ पर हमने एक कपड़ा लिया है मलमल का और उसमें अब हम इसको निकालेंगे। थोड़ा सा ये प्रोसेस टाइम लेती है और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसको कपड़े में निकालोगे तो आपको इसको टाइट होके निचोड़ना नहीं है, तो वो प्रोसेस आप देखोगे और बिल्कुल हलवाई स्टाइल। इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए इसमें अब ऐड करेंगे पानी। पानी इसमें ऐड किया करने का कारण जो होता है ना, अभी हमने ऐड किया है उसकी कुकिंग जो प्रोसेस है वो रुक जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा हम इसमें से पानी निकालेंगे पहले और फिर अपना छेना। और ये जो मिल्क वे है इसका यूज़ आप कढ़ी के लिए कर सकते हैं, आप इससे आटा लगा सकते हैं। इससे जो आप आटा लगाओगे उसके पराठे बनाओगे बहुत ही सॉफ्ट और एक अलग ही टेक्सचर आता है उनका। अब हमें अपना छेना निकालना है, तो इस तरीके से बस आप दो लोग पकड़ के खड़े हो जाइए और एक लोग अपने जग से डालते जाइए, क्योंकि इसको हमें निचोड़ना नहीं है। यदि आपने इसको निचोड़ दिया टाइट करके तो आपका जो छेना है वो बहुत ही ज़्यादा टाइट बनेगा। तो इसको एक सिलेंडर ले लें या कोई भी बड़ा आपके पास नीचे बाल्टी हो बकेट वगैरह उसके ऊपर इस तरीके से रख के पानी को निकलने दें। और देखिए बस रखना है, हल्का सा प्रेस करना है, पानी निकलेगा और इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन इस
इसकी मात्रा ज़्यादा है तो मैं इसको नहीं रखूँगी। और अधिकतर क्या होता है कि जगन्नाथ जी के लिए पनीर बनता ही रहता है, तो मेरे पास ये हमेशा ही ताज़ा ही रहता है। अब इसको बस कुछ देर के लिए इस तरीके से छोड़ देना है, और उसके बाद इसका जब पूरा पानी निकल जाएगा तो हमें परात में इसको निकालना है। तो यहाँ हमारा जो छेना है वो बनके तैयार हो गया है, और अब दोनों हाथों की सहायता से करनी है इसकी घिसाई पिटाई। तो इस तरीके से बस इसको चलाते रहें, और जब तक ये पूरा सॉफ्ट ना हो जाए और इसका जो अंदर का थोड़ा सा भी दाना है वो अपने आप खुल ना जाए, तो बस इस तरीके से आपको करना है। और इसको चलाते चलाते आप अपने हाथ देखेंगे तो चिकनाई भी आपके हाथों में आ जाएगी। आपको यदि इसमें दिक्कत आती है तो आप इसको मिक्सी में भी कर सकते हैं, और उसके बाद वापस प्लेट में दोनों हाथों से इस तरीके से ही आप इसको खट्टा करें। यहाँ पर जो हमारा पानी है बॉयल्ड वाला, हमने जो चाशनी तैयार करी थी वो निकालना है, और आधा निकाल के उसमें फिर थोड़ा सा हमें ऐड करना है ठंडा पानी, जिससे उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। और यहाँ पर जो हमारी बची हुई चाशनी है उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा रीठा का पानी, और उसको लो मीडियम गैस पर पकने देंगे। तब तक हम यहाँ पर तैयार करते हैं अपने छेने। तो छेना बॉल्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिलाया है मैदा। मैदा की मात्रा ज़्यादा नहीं लेनी है, बिल्कुल हमने बिल्कुल थोड़ा सा मिलाया है। लगभग क्वांटिटी की बात करें तो 2 बड़े चम्मच, और इसमें ऐड करा है हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर और खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा इसमें चुटकी भर ऐड करना है, और जो बेकिंग पाउडर है वो आप 1 चम्मच ऐड कर दें। फिर वापस इसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद इसको खट्टा होने के बाद में इसमें फूड कलर ऐड करें, जिससे जो खीर मोहन वाला कलर है वो आ जाएगा। चीज़ें वही हैं, नाम अलग अलग हैं। इसको आप खीर मोहन कह दो, या फिर इसमें फूड कलर ऐड ना करो तो ये छेना बन जाएगा। तो चीज़ें वही हैं, बनाने के तरीके भी वही हैं, बस थोड़ा सा कलर चेंज करके आप कई सारे जो 56+ भोग बनाते हैं आप इस तरीके से बना सकते हैं। छोटे छोटे बॉल्स लेने हैं, वापस उनको राउंड करना है, क्रैक नहीं हो। क्रैक होगा तो वो जैसे ही चाशनी में जाएगा फूट जाएगा। और सबसे मेन बात यही होती है, छेने जब भी बनाते हैं, खीर मोहन हम बनाते हैं, तो उसमें हमें बहुत ढेर सारा पानी चाहिए उनको पिलाने के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे जो खीर मोहन तैयार हो गए हैं, अब ये जाएंगे बॉल्स चाशनी में। खीर मोहन थोड़े चपटे होते हैं तो हमने वही आकार दिया है जो मार्केट में हमें मिलते हैं। अब इनको हम ऐड करेंगे चाशनी में। चाशनी में ऐड करते टाइम हमेशा ध्यान रखें कि उसमें इस तरीके के झाग होने चाहिए, झाग हो तभी उसको ऐड करें, और एक साथ ऐड ना करें। झाग यदि बंद हो जाए तो फिर वापस रीठे का पानी डालना है और फिर इसमें ऐड करना है, क्योंकि ये हमारे झाग के उसमें ही पकेंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहें लगभग 1 मिनट के बाद में, और जिस तरीके से हम लोग चम्मच को चला रहे हैं इसको पौने को, उसी तरीके से आपको चलाना है। इनको पकने में 7 से 8 मिनट लगता है, और जब ये पक जाएं तो जो ठंडी वाली चाशनी हमने पहले इसमें से निकाल के ठंडा किया था उसमें इसको डाल दें। वो चाशनी निकालने का कारण ये था कि जब हम इसको ठंडी हल्की मामूली गुनगुनी चाशनी में डालेंगे तो एक तो कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगी, दूसरा जो हमारे खीर मोहन है वो चपटे नहीं बनेंगे, कर्रे नहीं बनेंगे, बिल्कुल स्पंजी बनेंगे। तो इनको हमें इसमें ऐड करना है, और लगभग 3 से 4 घंटे के लिए आप छोड़ दें, उसके बाद ही आप भगवान को ऑफर करें। तो यहाँ पर जो हमारे खीर मोहन है वो बनके तैयार हो गए हैं। हमें लगा कि थोड़ा सा इनको और बाज़ार वाला जो लुक है वो दिया जाए, तो थोड़ा सा फूड कलर और मिला दिया है, और देखिए इनका जो कलर है बिल्कुल मार्केट वाला आ जाएगा। तो आप बनाएं, अपना फीडबैक हमें दें। इसी तरह डाल के जगन्नाथ जी को ऑफर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। इसलिए केवल कृष्ण प्रसाद हमने खुश रहें, चैंटिंग करना ना भूलें। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।